स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है दैट हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ओके, अगर आपके पास एक 6 वोल्ट का बैटरी है और इससे अगर 1 कूलम्ब चार्ज पास होता है तो आपको कितना एनर्जी यहाँ पे देना होगा। तो देखिए, इसके लिए आप जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, यहाँ पर V का मतलब क्या है? सो V इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और यहाँ पे वर्क है, ये एनर्जी है, ये वर्क ही एनर्जी होता है, वर्क डन या एनर्जी गिवन, और ये Q यहाँ पे चार्ज है। तो आपसे पूछ रहा है कितना वर्क करना पड़ेगा या कितना एनर्जी देना पड़ेगा अगर बैटरी 6 वोल्ट का है और उससे 1 कूलम चार्ज को पास कराना है। तो यहाँ पर वर्क विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, एंड क्यू इज 1 कूलम ऑफ चार्ज विल पास थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, सो इट विल बी इक्वल्स टू 6 जूल्स। ओके, 6 जूल यहाँ पे इसलिए लिख रहे बिकॉज एनर्जी पूछा है, वर्क इज एनर्जी एंड यूनिट इज जूल। तो अब आपको यहाँ पे 6 जूल का एनर्जी देना पड़ेगा अगर आप 1 कूलम चार्ज को 6 वोल्ट के बैटरी से पास कराते। ओके, सो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।